We are very sorry. है कि वो वुमेन ही तरबियत देती है ना बच्चे को जन्म देती है औरत। तो मुझे पहले लगता है कि अगर कोई लड़का रास्ते पर सताएगा लड़की को, दैट मीन्स पहले उसकी माँ रिस्पॉन्सिबल है जिसने उसको वैसी तरबियत नहीं दी। मैं एक एग्जांपल आपको दूंगी। मेरा बेटा 12th में पढ़ता है, 2 साल से वो घर में था। 2 साल के बाद DPS श्रीनगर ने उनको बोला कि डिनर पर आना। जब 2 साल के बाद वो घर से निकला, तो मेरा बेटा जब निकला तो मैंने उसको बोला, मेरे बेटे का नाम सोलह है, तो मैंने कहा मेरे बच्चे सोलह मेरे सर पर हाथ रखो, आप किसी लड़की की तरफ नहीं देखोगे, क्योंकि उसकी टीन एज है। इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ मर्द ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो लड़कियों को सताता है करता है। मुझे लगता है तरबियत का रोल बहुत है और तरबियत माँ देती है बच्चे को। मैं वो ये कन्वेज लोगों को कि उसमें माँ की तरबियत की कमी होती है जिसकी वजह से उसका बेटा ऐसा बनता है। ये मेरा अपना सोच है। राइट्स तो बराबर होने चाहिए, लड़का और लड़की बराबर है। अब किसी फील्ड में लड़का आगे है, किसी फील्ड में लड़की आगे है, तो ओवरऑल लड़की और लड़के बराबर है। इसकी डिफरेंस है, लड़का भारी बोझ उठा सकता है, लड़की अच्छा खाना घर में पका सकती है। तो दैट मीन्स वहाँ जो बैलेंस हर एंगल में होती है, सिर्फ फ़र्क होती है फील्ड में। एक फील्ड में औरत आगे होती है, दूसरे फील्ड में मर्द आगे होते हैं। वो हमें बताएं, ट्विटर पे फॉलो करें श्रीनगर पुलिस को, टैग अस, तो वी विल ट्राई कि उसी समय उसका हल निकाला जाए। ओवरलोडिंग तो ऐसे भी अलाउड नहीं है, तो वुमेन के सेफ्टी के लिए तो ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम लोगों ने पॉइंट नोट किया, लड़कियों ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स उठाए थे, तो वी विल डेफिनेटली ट्राई कि सारे डिपार्टमेंट मिल करके कैसे उसका हल निकाल सके, कैसे हम उसे लीगलाइज करने का कोशिश करेंगे, बिल्कुल, और जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे।